से हम शुरू करते हैं। 1990 में हमने पीजी किया था और यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन थी। महाराजा कॉलेज में पढ़ाने का अवसर मिला छतरपुर में। उसी साल MBBS क्वालिफाई किया और तभी नानाजी देशमुख जी का ऐसा हम लोगों ने सुना कि चित्रकूट वो आ रहे हैं और मध्य प्रदेश तरफ कुछ काम करना चाहते हैं। हम विद्यार्थी परिषद के उस समय स्टेट सेक्रेटरी थे मध्य प्रदेश के। संघ के लोगों की इच्छा थी कि हम उनके साथ रहें, काम करें। बहुत सारे युवा उनके साथ आकर के और वापस चले गए थे, जो उनके जिनको उनका सहयोगी के नाते काम करना। विश्वविद्यालय में तो लोग ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन नानाजी देशमुख जी उस विश्वविद्यालय के चांसलर थे, जिसका नाम ग्रामोदय विश्वविद्यालय है और हिंदुस्तान का वो पहला विश्वविद्यालय तब बनने जा रहा था 1991 में, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा या किसी भी फैकल्टी का जो पढ़ाई होगी वो पढ़ाई में, लेकिन रूरल डेवलपमेंट जरूर होगा। चाहे हम परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ें, चाहे सोशल साइंस पढ़ें, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ें, फोटोग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन रूरल डेवलपमेंट का एक ग्रामीण विकास का एक पाठ्यक्रम उनके साथ जरूर रहेगा। उनको गाँव में भी जाना है, रहना है, काम करना है, वापस ये चला आए। उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने हमसे कहा कि आपको हमारे साथ रहना है, काम करना है। 10-15 मिनट की बातचीत में उनको लगा कि हमारे साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने हमको कहा, हमने सहमति भी दी। 3-4 दिन में आके हम उनके साथ काम करने लगे। कुलाधिपति के सचिव के रूप में हमने चांसलर के सेक्रेटरी के नाते काम करना शुरू किया। यूनिवर्सिटी स्टेबलिश हो रही थी, फैकल्टी बनाया है, बोर्ड ऑफ स्टडी होती है, फिर देश भर से दुनिया भर से लोगों को लाना है, जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है उनसे थोड़ा अलग काम करना है, ऐसा सब वो बताते थे। और जो वाइस चांसलर थे वो आर्यन कपूर साहब थे, यही प्रयाग से थे। वो IGRT के डायरेक्टर रह चुके थे और UP टेक्निकल बोर्ड के डायरेक्टर रह चुके थे, वो वाइस चांसलर, लेकिन उनका संघ से कोई संबंध नहीं था। नाना जी ने लेकिन फिर भी उनको सिलेक्ट किया था और साथ में काम करने के लिए लिया। हम लोगों ने 92, 93, 94 16 फैकल्टी और 87 डिपार्टमेंट उस समय बनाए। उस समय प्रयागराज और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो सीनियर फैकल्टी थी, रिटायर हो रही थी, उनको एज ए विजिटिंग फैकल्टी हम लोगों ने मान लिया। और जो नए तरुण पढ़ कर के निकल रहे थे, युवा 24-25 वर्ष की आयु के, उनको हम लोगों ने आगे रिसर्च एसोसिएट करके अपने साथ में लिया। तो एक अनुभव और एक उत्साह, जोश, ऐसे दोनों को जोड़कर नाना जी की इच्छा थी कि देश भर में, दुनिया भर में जो चल रहा है उससे तुम कुछ अलग करें।